सरकार द्वारा सब्जी मंडी आढ़तियों पर लगाए गए टैक्स और एक साल की एडवांस मार्केट फीस के विरोध में पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियों के आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी इसका असर देखने को मिला। गुरुग्राम की खानसा मंडी में भी आढ़तियों की हड़ताल जारी है। खचाखच भरी रहने वाली खानसा मंडी आज वीरान देखने को मिली। मंडी में सब्जी से लेकर फलों की बिक्री पूरी तरह से बंद रही। आज 10 तारीख को पूरे प्रदेश में मंडी की हड़ताल थी, तो आज सीएम साहब ने 11 बजे का समय दिया था। आज हमारे हरियाणा एसोसिएशन की टीम सीएम साहब से चंडीगढ़ मिलने गई थी और अभी चल भी रही है विचारधारा। उनकी बातचीत बन पाती है नहीं बन पाती वो अभी आने का विषय है, शाम तक वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ये दोबारा हड़ताल पे पूरे प्रदेश भर में मंडियां गई है, आड़ती गई है, क्या कुछ कारण है? क्या पहले इस मीटिंग में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था या सहमति नहीं बनी थी? 2014 से पहले हमारी मंडी की मार्केट फीस जीरो थी, तो जब से कोरोना काल आया आड़तियों ने बहुत से अपनी कोरोना में अपनी जान भी दी है, फिर भी उन्होंने घर तक सब्जी पहुंचाई है, हर घर तक। तो अब जब से भाजपा सरकार ने कोरोना के बाद हमारी 2% मार्केट फीस लगा दी है, तो क्या कारण है? अगर आज सीएम साहब के साथ मीटिंग में कोई विचार विमर्श करके कोई हल नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? अभी सीएम साहब के वहां से सूत्रों से पता चला है शायद बात बन जाएगी, पर फिर भी बात नहीं बनती है तो हमारे एसोसिएशन के जो प्रधान है हरियाणा लेवल पे, वो अपना आगे जो भी निर्णय होगा वो हमारा मान्य होगा। गुरुग्राम की सबसे बड़ी खानसा मंडी में आज कितने आड़ती है जो पूरे हड़ताल पे गई हुई और किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है? गुड़गांव मंडी आज हड़ताल पे है। कितने आड़ती है जो पूरे हड़ताल पे गए हुए? सभी आड़ती है, फ्रूट मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, सभी हड़ताल पे। तो किसी आपकी हड़ताल से आम जन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? भाजपा सरकार में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो हड़ताल पे ना बैठा हो। पीछे से आपने देखा होगा झाड़ू वाले भी हड़ताल पे थे, वो कूड़ा ठाने वाले भी हड़ताल पे थे, आज एक आड़ती भाई थे वो भी आज हड़ताल पे चले गए हैं। तो हम चाहते हैं भाजपा जल्दी से जल्दी इस चीज पे विषय पे बात रखे और समाधान दे जो हर घर तक सब्जी पहुंचाए जा सके। ये दूसरी हड़ताल है आज पूरे प्रदेश भर में हड़ताल की गई है, अगर रणनीति नहीं बनती है तो आगे क्या कुछ निर्णय रहेगा आपका? वैसे तो भाजपा एक तरफ कहती है हम किसानों के हित में है, आज किसानों की हड़ताल के कारण आज किसानों की सब्जियां खराब हो रही है खेतों में। सबने बंद की हुई है? हाँ जी, पूरी तरह बंद है, कहीं भी कुछ बिक नहीं रहा सब्जियां और ना ही कहीं मिल रही है किसी को सब्जियां। कितने नुकसान सब्जी मंडी बंद होने से व्यापारियों को? सर व्यापारियों का तो बहुत सा माल खराब हो रहा है, जो कट गया था वो वेस्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा सारा माल, क्योंकि कुछ माल ऐसा है जो एक ही दिन चलता है दूसरे दिन चलता ही नहीं। हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गया, धनिया हो गया, ये सब अगले दिन तो चलता ही नहीं, सड़ जाता है कटने के बाद। मंडी आगे बंद रही तो कहीं ना कहीं सब्जी के दाम भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सब्जियां वेस्ट हो गई खेतों में खराब हो रही है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती बढ़ने के बाद, इंटरव्यू चल रहा है मेरा, बढ़ने के बाद जो चीजें जो बढ़ेंगी फिर रुकेंगी नहीं, उसके बाद वो चीजें खराब हो जाएंगी और फिर दोबारा आएंगी तो महंगी होंगी। इसका असर आम आदमी पर होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा, आम आदमी की जेब पॉकेट खराब होगी, बजट खराब होगा, सब्जियां महंगी होंगी। अभी कोई सब्जी 100 रुपए किलो, कल वो 150 हो जाएगी। अभी उम्मीद है कि कब तक खुल सकती है मंडी? सर अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बढ़ती रहेगी। बता दें कि खानसा मंडी में अगर हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो ऐसे में आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खानसा मंडी लगातार बंद रही तो सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार आढ़तियों की मांग कब तक मानती है और कब तक प्रदेश में हड़ताल खत्म होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।